नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूँ दीपिका नयाल। भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान बीते दिन ही पाकिस्तान से भारत लौटे हैं। अभिनंदन की वापसी को लेकर जहाँ पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई, वहीं इस बात को लेकर बॉलीवुड में भिड़ंत हो गई। भारत पाकिस्तान के बीच हालिया घटनाक्रम पर बॉलीवुड के कई बड़े निर्माता फिल्म बनाना चाहते हैं और इसी के नाम को लेकर अब बहस भी शुरू हो गई है। हाल ही में सर्जिकल स्ट्राइक पर बनी फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई। फिल्म में विकी कौशल की एक्टिंग को लोगों ने काफी पसंद किया। इस फिल्म की सफलता को देखकर फिल्म निर्माता ये जानते हैं कि अभिनंदन पर बनी फिल्म भी हिट होगी, इसलिए अब वो जल्द से जल्द फिल्म का टाइटल बुक कराकर कहानी की तैयारी में जुट जाना चाहते हैं। दरअसल 14 फरवरी को जब CRPF जवानों पर आतंकी हमला हुआ था तो हमले में लगभग 40 जवान शहीद हो गए थे। उस घटना पर भी फिल्म बनाने का आइडिया निकाला गया था और तो और इस फिल्म के लिए कई टाइटल भी निकाले गए थे। पुलवामा द डेडली अटैक, पुलवामा अटैक वर्सेस सर्जिकल स्ट्राइक 2.0, बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक 2.0, अभिनंदन विंग कमांडर अभिनंदन, पुलवामा द सर्जिकल स्ट्राइक, वॉर रूम, हिंदुस्तान हमारा है, पुलवामा टेरर अटैक सहित कई टाइटल को निर्माता पहले से बुक कराना चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन में प्रोड्यूसर्स की भीड़ लग गई है। वहां मौजूद एक व्यक्ति का कहना है कि पूरा नजारा किसी खिचड़ी से कम नहीं था। सबसे ज्यादा भीड़ 26 फरवरी को देखने को मिली जब भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी। लेकिन जब विंग कमांडर अभिनंदन के पाकिस्तान के कब्जे में होने की खबर आई तो इन पर वेब सीरीज बनाने का आइडिया भी निकल कर आया। खबर है कि अभिनंदन या विंग कमांडर अभिनंदन के लिए भी आवेदन दिया गया है। रिपोर्ट में एसोसिएशन के एक सूत्र का दावा है कि विक्रम मल्होत्रा के अपुन दंतिया एंटरटेनमेंट और भूषण कुमार की टी सीरीज ने पुलवामा हमले और बालाकोट एयर स्ट्राइक से जुड़े टाइटल रजिस्टर कराने के लिए एप्लीकेशन डाली है। खैर, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।